Well, in this video, we are going to study about article number 8.6 acceleration due to gravity above the surface of earth. So, right, so consider a point mass m, we consider a point mass m at a height h above the surface of earth of radius re, right. So, since the point is outside the earth and its distance from uh, earth will be uh, from the center of earth is. द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज़ आर ई प्लस एच राइट देखिए दिस डिस्टेंस इज आर ई प्लस एच राइट हम यदि मानते हैं कि इफ एफ एच इज द फोर्स हम ऐसा लिखते हैं कि इफ एफ दैट इज द एट ए हाइट एच द फोर्स जो लगेगा मैंने जो ये मास पॉइंट है यहाँ और सेंटर ऑफ अर्थ के बीच जो कि एक दूसरे से आर ई प्लस एच डिस्टेंस दूरी के ऊपर हैं ये कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे एक दूसरे की ओर सो ये फोर्स रहेगा दिस इज जी टाइम दिस मास ऑफ अर्थ एंड दिस इज द मास सिचुएटेड एट ए हाइट एच अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स इज आर ई प्लस एच का स्क्वायर राइट सो आई विल मार्क दिस इक्वेशन नंबर वन अब हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज़ इक्वल टू एम ए बट हेयर इन दिस केस इन प्लेस ऑफ ए इज़ देर इज जी सो हम इसका ये फंडामेंटल फार्मूला का यहाँ इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास आएगा फोर्स एट ए हाइट एच इज़ इक्वल टू मास एंड ग्रेविटी एट ए हाइट एच राइट सो यहाँ हमारे पास आ जाएगा ग्रेविटी एट ए हाइट एच एक्सन टू ग्रेविटी एट ए हाइट एच इज़ फोर्स एट ए हाइट एच अपॉन मास सो हम इक्वेशन नंबर वन से ये निकालने की कोशिश करते हैं ना फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू ऐसा लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू ग्रेविटी एट ए हाइट एच वो क्या हो जाएगी हमारे पास एफ एच अपॉन एम हमारे पास आ जाएगा जी एम ई अपॉन आर रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच स्क्वायर सो दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री राइट हम ऐसे लिखते हैं बी नो दैट हम ये जानते हैं ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू जी एम ई मास ऑफ द अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर दिस इज इक्वेशन नंबर फोर सो फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड फोर

यहाँ हम लिख देंगे जी टाइम मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर हो जाएगा इसके साथ ही कैंसिल हो जाएगा वी आर लेफ्ट विद रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ ये हम आर कॉमन ले लेंगे यहाँ से वी आर लेफ्ट विद वन प्लस एच अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर आर ई स्क्वायर के साथ आर ई स्क्वायर कैंसल हो जाएगा और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा ग्रेविटी एट ए हाइट एच अपॉन जी इज इक्वल टू वन प्लस एच अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर माइनस टू हो जाएगा बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन हम इसके लिए बाइनोमियल एक्सपेंशन का इस्तेमाल करते हैं उसमें हमारे पास आ जाएगा वन प्लस विल वन प्लस एक्स की पावर माइनस एन इज इक्वल टू दिस इज वन माइनस एन एक्स और हायर पावर्स को हम नेग्लेक्ट कर देंगे प्लस एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल इंटेक्स के बट हम यहाँ लिख देंगे कि जो हाइट है अबब द सर्फेस ऑफ अर्थ इज वेरी मच लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ वो अर्थ की रेडियो से बहुत कम है इसलिए हमें कह सकते हैं कि एच अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ इज़ वेरी मच लेस देन वन इसलिए इस हाइर पावर कैन बी निगलेक्टेड हम इस पार्ट को हम निगलेक्ट कर देंगे दैन बी कैन निगलेक्ट दिस पार्ट राइट सो so, हम यहाँ लिखेंगे यहाँ x का जो रोल है वो h अपॉन आर ई प्ले करेगा सो so, n का रोल जो है वो माइनस टू करेगा सो दिस पार्ट इज n एंड दिस पार्ट इज x दिस पार्ट इज x नाउ राइट सो वी हैव नाउ ग्रेविटी एट ए हाइट एच इज इक्वल टू जी इंटू वन माइनस टू एच अपॉन आर ई दिस रेडियस ऑफ अर्थ हम क्या देख रहे हैं हम यदि इस को खोलते हैं तो हमारे पास आ जाएगा देखिए जी एच इज इक्वल टू जी माइनस टू जी एच अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ जस्ट सी हेर जो g का वैल्यू है वो नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है अब यहाँ एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है रेडियस ऑफ अर्थ कॉन्सटेंट तो जिस तरीके से h का वैल्यू इंक्रीज करता चला जाएगा एज h विल इंक्रीज तो ये जो सब्ट्रैक्ट होने वाला जो पार्ट है ये बढ़ता चला जाएगा इसके वजह से क्या होगा जो ग्रेविटी एट ए हाइट एच जो है वो ज़्यादा से ज्यादा डिक्रीज होती चल जाएगी इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग एज द हाइट विल इंक्रीज़ सो राइट सो ये कह सकते हैं कि जी एच विल डिक्रीज विद हाइट हम कह सकते हैं जी एच विल डिक्रीज विद हाइट सो ड्यू टू ग्रेविटी विल डिक्रीज विद हाइट राइट right? और यदि हम चाहें कि हम परसेंटेज डिक्रीज इन ग्रेविटी यदि हम निकालना चाहें तो हम ये लिख देते हैं परसेंटेज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी परसेंटेज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी तो क्या हो जाएगा हम ऐसा करेंगे ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ माइनस ग्रेविटी एट ए हाइट एच डेल्टा जी निकालेंगे डेल्टा जी अपॉन जी क्रॉस आपको परसेंटेज निकालना है तो हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दीजिए और हंड्रेड से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा ये वाला पार्ट जो है डैश जो है इसको आप पर मानेंगे और ये जो हंड्रेड है इसको हम सेंट बोलते हैं तो इसको हम चेंज कर देंगे आपके पास आ जाएगा जी एच माइनस सॉरी जी माइनस जी एच अपॉन जी क्रॉस हंड्रेड और ये वाला जो पार्ट है वो पर सेंट में चेंज हो जाएगा So, इसको यदि हम सॉल्व करें ऊपर वाले इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन नंबर फाइव से हम इसको कैलकुलेट करें सो वी आर लेफ्ट टू एच अपॉन आर परसेंट क्रॉस हंड्रेड परसेंट सो दिस इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो थैंक यू वेरी मच